फर्स्टली हमारे को परचेज करना पड़ता है, एज अगर हमारे पास कुछ गुड्स होंगे, मटेरियल होगा, देन हम सेल करेंगे। तो फर्स्टली हम परचेज के लिए, परचेज का हमारा शॉर्टकट है F9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इधर पहले परचेज के हम कुछ मोड्स चेक करेंगे। कंट्रोल प्लस एच से हमारे को चेंज मोड वाउचर स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहां आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज वाउचर, तीन तरीके से हम अपनी परचेज या सेल्स की एंट्री पास ऑन करेंगे। ठीक है, तो एज हम सेशन के साथ साथ ये सारी चीजें सीखने वाले हैं कि कब कौन सा मोड हम यूज करने वाले। तो फर्स्टली हम एज वाउचर चलते हैं, जो सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट मोड है हमारा एज वाउचर। तो परचेज में हमने डेट चेंज किया, 6 अप्रैल को हम एक एंट्री पास ऑन करने वाले हैं परचेज का। एंड एंट्री इज दैट फॉर एवर ग्रुप परचेज गुड्स द परचेज अमाउंट 5000 पेड थ्रू कैश, कि हमने कुछ गुड्स को परचेज किया है और 5000 हमने कैश से पे कर दिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कोई सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं है, चलो एक डमी डाल देते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर होता क्या है, कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे को बिल मिलता है, कभी नोटिस किया होगा आपने, तो बिल पे एक बिल नंबर होता है, वो बिल नंबर हमारा क्या है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। चलो एक हमने डमी कुछ भी पास ऑन कर दिया, 232234 डेटेड, जिस दिन हमने वो बिल रिसीव किया था या जिस दिन हमने परचेज की थी। ऐसा जरूरी नहीं है 6 तारीख को हम एंट्री पास ऑन कर रहे हैं तो बिल भी 6 का हो हमारा, हो सकता है वो 5 तारीख का हो, 4 का हो, 3 का हो, 2 का हो। इन शॉर्ट एक बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 6 तारीख की एंट्री या जिस भी तारीख को एंट्री डाल रहे, परचेज का बिल इससे आगे का नहीं होगा, सेम डेट का या इससे पीछे का कभी का भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम सेम डेट ही लेके चल लेते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स अगेन डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैंने पहले भी क्लियर किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो परचेज में क्वेश्चन था कि 5000 पे थ्रू कैश अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स, तो गुड्स तो हमारे पास आए और कैश हमारा चला गया, तो क्रेडिट क्या करें हम, कैश। देन रिसिप्ट डिटेल में अभी हम कुछ नहीं डालने वाले हैं, एंड पार्टी डिटेल्स में एज कैश है तो सप्लायर बिल फ्रॉम, कहां से बिल हुआ है और मेलिंग में। ठीक है, देखो ये क्या चीजें हैं, वन मिनट, यहां से हम सिलेक्ट करने वाले। एज पर क्वेश्चन हमारे को कुछ भी मेंशन नहीं है किस पार्टी से खरीदा गया है। अगर मेरे को यहां क्वेश्चन में बताया गया होता कि भाई मैंने किस पार्टी से परचेज किया, तो मैं सप्लायर या बिल फॉर्म डालता, तो इधर कुछ भी नहीं है ना, तो मैं जस्ट कैश लेके चलता हूं। ठीक है, तो ना ही पार्टी है, तो कोई आगे फर्दर डिटेल्स पास ऑन नहीं करनी, कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट किया। और कैश कितना है, ऑफ 5000। अच्छा डेबिट क्या होगा, परचेज, परचेज में गुड्स का हमारा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इन्वेंट्री एलोकेशन पे डायरेक्ट एंटर किया और हम मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। देन एंटर एंटर एंड हमारी एंट्री पास ऑन, फर्स्ट एंट्री हम कर चुके हैं परचेज। चलो एक और एग्जांपल लेके चलेंगे, फॉरएवर ग्रुप परचेज गुड्स वर्थ 12000 फ्रॉम सहान एंटरप्राइज। अब की बार क्या हुआ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चेंजमेंट है कि फॉरएवर ग्रुप ने 12000 के गुड्स परचेज किए हैं किससे, सहान एंटरप्राइज। अब की बार स्टूडेंट्स पेमेंट का कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई जिक्र नहीं, इसका मतलब ये गुड्स हमने उधारी में खरीदे हैं, क्रेडिट स्टैंड्स फॉर उधारी, जहां स्टूडेंट्स पार्टी का नाम आ जाए और वर्ड कैश या बैंक ना आए, तो इसका मतलब उधारी में खरीद देंगे हम। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर को हम स्किप करते हैं अभी के लिए, क्रेडिट क्या हो जाएगा अब की बार, रिप्लाई करो कमेंट्स में। चल मैं बताता हूं, देखो एज आवर लास्ट क्वेश्चन हमने कैश दिया था पार्टी को जिसके अगेंस्ट हमने परचेज किया, लेकिन यहां हम कैश नहीं देंगे और हमारे को पार्टी डिटेल्स क्या मिली, सहान एंटरप्राइज, तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा, सहान एंटरप्राइज, तो ऑल्ट सी से मैं क्रिएट कर सकता हूं, तो मैंने डाला सहान एंटरप्राइज। अच्छा ये मेरे लिए क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डेटर और क्रेडिटर, जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारे से क्या पैसा मांगेगा, तो जो पैसा मांगने वाले होते हैं वो हमारे लिए क्या है, सारे क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, देन कंट्रोल प्लस ए से सेव, फर्दर डिटेल्स अभी के लिए पास ऑन नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स वहां हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या डाला था, पार्टी डिटेल में कैश, क्योंकि हमारे को पार्टी का पता ही नहीं था। अगर वहां भी ये मेंशन होता कि परचेज इन कैश फ्रॉम दिस पार्टी, तो हम इधर पार्टी डिटेल्स मेंशन करते, तो यहां पे हमने क्या डाला, सप्लायर या बिल फ्रॉम सहान एंटरप्राइज।
ठीक है, एंड कितने का है 12,000। ओके, न्यू रेफरेंस के अंडर हम डाल लेते हैं। एंड डेबिट, डेबिट क्या हुआ, परचेज, अगेन परचेज आया ना, आइटम का हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने कैश पे किया था तो कैश आया था, अगर बैंक से हमारी ट्रांजेक्शन जाएगी तो बैंक आएगा, और अगर कैश या बैंक का कोई यूज नहीं है तो हम पार्टी नेम डाल देंगे क्रेडिट में। क्लियर है, देन प्रेस एंटर एंड देन क्लियर। अब एक बार डे बुक चेक कर लेते स्टूडेंट, तो गेटवे ऑफ टैली से डे बुक एंड पीरियड चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। पीरियड का शॉर्टकट क्या रहेगा, ऑल्ट F2, F2 डेट का शॉर्टकट एंड ऑल्ट F2 चेंज पीरियड। तो हमने डाला 1 अप्रैल से एंड 30 अप्रैल तक का डाल लेते हैं। ठीक है, देखो ये अप्रैल मंथ की हमारी टोटल एंट्रीज है, ये हमने कुछ लास्ट सेशन में किया था, लाइक कॉन्ट्रा था, रिसिप्ट था, पेमेंट था, और अभी हमने क्या डाला है, दो परचेज की एंट्री डाली, एक कैश है और एक सहन एंटरप्राइज से क्रेडिट है, 5,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉरएवर ग्रुप परचेज द सम स्टॉक आइटम्स फ्रॉम RY इन्फो सिस्टम्स ऑन क्रेडिट वाइड सप्लायर इनवॉइस नंबर RY101। देखिए अब की बार हमारे को आइटम्स भी बताए गए हैं, भाई क्या क्या हमने परचेज किया है, पार्टी का भी नाम बताया गया RY इन्फो से, और भाई पेमेंट नहीं हुई है, क्रेडिट में हमने परचेज किया है। क्लियर है, अच्छा अब एक बार लिस्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी J7 और सैमसंग S7S, ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो हम खरीदने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलो इसको हम एज कंट्रोल एच से चल के एज वाउचर ही एक बार समझने की ट्राई करेंगे, कुछ एंट्रीज को हम एज वाउचर डालेंगे। ठीक है, ओके, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है, RY/101, डेटेड क्वेश्चन में मेंशन नियम सेम रख लेते, 6 अप्रैल। आपकी बार क्रेडिट क्या होगा, जल्दी रिप्लाई कीजिए, क्रेडिट क्या होगा, चलो मैं बताता हूं। RY इन्फोटेक, ओके, RY इन्फो से हमने परचेज किया है और अमाउंट हमारा मेंशन नहीं है, टोटल अमाउंट। ठीक है, अगर मेरा यहां पे टोटल अमाउंट मेंशन होता तो मैं टोटल डाल देता। चलो हम एक फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट। चलो हम एक साथ के साथ कैलकुलेशन करते हैं, एज जो हमारा टोटल बिलिंग है वो 64500 और 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2,24,500 का हमारा टोटल बिलिंग है, तो 2,24,500। क्लियर है, न्यू रेफरेंस हमने पास ऑन किया, डेबिट क्या हुआ, अगेन परचेज। देखिए अभी आइटम एलोकेशन स्क्रीन हमारी आ चुकी है, ठीक है, इधर हम अपने आइटम्स को मेंशन करने वाले हैं। तो हमारा क्या था, एक था सैमसंग J7 गैलेक्सी J7। ठीक है, लोकेशन कहां हम इसको स्टोर करेंगे, ठीक है, तो हम डाल देते हैं रोहतक लोकेशन, एज हमने ऑलरेडी बना रखा है रोहतक लोकेशन। क्वांटिटी कितना, 5। नोज एज ऑलरेडी सेटेड, लास्ट 2-3 सेशंस पहले हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोकेशन कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप एंड हमारे जो जस्ट यूनिट्स वगैरह हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। रेट एज 12,900, अमाउंट 64,500 स्टूडेंट्स है जो मैंने फर्स्ट कैलकुलेशन में रखा था। एंड ठीक है, ये देखिए इधर सैमसंग गैलेक्सी J7 5 नोज है, 12,900 का रेट है और 64,500 हमारा टोटल अमाउंट बना, लोकेशन भी हमने रोहतक डाल दिया, देन प्रेस एंटर। सेकंड क्या है हमारा, सैमसंग S7 एज, लोकेशन सेम रोहतक रहा, क्वांटिटी एज 5, 32,000, 1,60,000 का हमारा सेकंड प्रोडक्ट है। देखिए ठीक है, क्लियर, एंड देन प्रेस एंटर। स्टूडेंट्स देखिए यही अमाउंट आया था ना, आफ्टर सम वही हमारा मैच हो चुका है डेबिट क्रेडिट साइड। एंड स्टूडेंट्स एज परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारे क्वेश्चन एज एक मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो हमारे प्रोडक्ट थे ये कहां से, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है प्रैक्टिस सीट, वहां एज पर क्वेश्चन ये सारी डिटेल्स हैं सेम एज इट इज, तो आप उधर से जाके डाउनलोड कीजिए
एंड देन अभी के लिए हम प्रोवाइड जीएसटी या ईवे बिल डिटेल्स को नो रखेंगे एंड देन स्टूडेंट्स सेव दिस एंट्री। डे बुक चलते हैं एक बार। देखो परचेज आरवाई इन्फो हमारी 2,24,500 रुपए की आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स एज वाउचर हमने सीखा कि हम परचेज कैसे करेंगे। वैसे एज वाउचर का कभी इतना ट्रेंडिंग में नहीं चलता है यार, काफी ओड सा मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड है यहां पे एज हमारे पास आइटम्स हैं तो आइटम इनवॉइस में। सो सिंपल एंड इजी, इंटरेस्टिंग है। चलो एक तो डेट चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7th F2 हमारे डेट का शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे लिए। फॉरएवर ग्रुप परचेज द स्टॉक आइटम्स फ्रॉम वर्धमान एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट विद सप्लायर इनवॉइस नंबर VE/03। क्लियर है? देखो अब की बार हमने क्या किया, फॉरएवर ग्रुप वर्धमान एंटरप्राइज से कुछ गुड्स या कुछ स्टॉक आइटम्स परचेज करता जिसका हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, VE/23। पार्टी वर्धमान। देखो वर्धमान नहीं बना हुआ तो शॉर्टकट क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने, ऑल्ट प्लस सी, देन एक लेजर बना लेते वर्धमान एंटरप्राइज। और परचेज करने वाले हैं तो ये क्या हमारे लिए सनरी क्रेडिटर कंट्रोल, इसे हमने सेव किया। ठीक है, एज पार्टी डिटेल्स में भी सेम चला। देन परचेज लेजर, देन नेम ऑफ आइटम, हम क्या परचेज करने वाले हैं स्टूडेंट्स इससे। तो हमने क्या करना है, एक तो फर्स्टली हम करते हैं सोनी E1 एक्सपीडिया ड्यूअल एक्सपीडिया। ठीक है जी, सेम अगेन वही आइटम एलोकेशन, स्क्रीन हमारा ओपन हो चुका है। लोकेशन चलो इसको हम रख लेते हैं डेली लोकेशन। अच्छा डेली नहीं बना हुआ, कोई नहीं क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स। चलो और इसको हम प्राइमरी रख लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी कितना 5 नोज रखते हैं, रेट एज 9,500। ठीक है, 47,500 का हमारा टोटल आ चुका है। ठीक है, एक हमारा आइटम क्रिएटेड। देन नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, सोनी सीरीज J7। ठीक है, जे एक्सपीडिया, सोनी सीरीज जे एक्सपीडिया, 7 तो सैमसंग का आता है ना, तो इसका भी हमारा 3 नोज है विद 8,000, 24,000 अमाउंट इज। थर्ड इज नोकिया 2.3, काफी ओल्ड मॉडल है 2.3, इसको भी हम डेली लोकेशन पे रखते हैं। ठीक है, वन मिनट क्या एरर आ रहा है। अच्छा क्वांटिटी नहीं उठा स्टूडेंट्स, ये देखो अब ये किस सीन में आएगा कि जब हमारी क्वांटिटी ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नोकिया 2.3 को एक बार ऑल्टर करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर से ऑल्टर ओपन हो जाएगी। देखो हमने क्या मिस्टेक किया स्टूडेंट्स, यहां पे यूनिट सेट नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, नोज मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ए से डायरेक्ट इसको सेव करते। अब देखिए हमारा क्वांटिटी एड ऑन होगा तो कितनी क्वांटिटी है, 3 एंड रेट एज 7,000। अरे नोकिया के तो बड़े महंगे फोन है। उसके बाद नोकिया C3 है। ओके, देन लोकेशन दिल्ली लोकेशन, क्वांटिटी एज 2 पीस ऑफ 7,500 इज 15,000 का टोटल हो गया। देन नेक्स्ट इज वन प्लस नोड मोबाइल रखा दिल्ली लोकेशन पे एंड 3 पीस है, रेट एज 27,000, 81,000 का टोटल हो चुका है। एंड नेक्स्ट इज ओप्पो। ठीक है, एंड दिल्ली लोकेशन पे रखा विद 5 नोज एंड 13,700 इज 68,500। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे कुछ आइटम्स को चूज किया है जो परचेज में है हमारे पास, और टोटल हमारा 2,57,000 का टोटल बिल बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, देन प्रेस एंटर। एज फर्दर कोई आइटम नहीं डालने वाले तो हम प्रोवाइड जीएसटी या ईवे को फिलहाल के लिए नो रखेंगे, फर्दर क्लासेज में सीखने वाले जब जीएसटी का कंसेप्ट आएगा एंड न्यू रेफरेंस के साथ। न्यू रेफरेंस में हमने क्या डाला कि VE/23 एंड हमने अपनी एंट्री पास ऑन कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो क्लियर हुआ होगा। देन एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं 8th of April को, कि फॉरएवर ग्रुप परचेज स्टॉक आइटम फ्रॉम MJ कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट वाइड सप्लायर इनवॉइस नंबर MJC 231। ठीक है, तो MJC/231 हमने डाला। ए स्टूडेंट्स मैं कई एग्जाम्पल इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि आपका कोई डाउट ना बचे, एज हो सकता है एक क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल में हम जो पॉइंट्स नहीं समझ पाए तो हम नेक्स्ट में कर लेंगे, है
ना, वरी होने वाली कोई आवश्यकता नहीं है हमारे को। तो हमने कहाँ से करना है इसको परचेज, एमजे कंप्यूटर से, ठीक है, नहीं बना हुआ तो स्टूडेंट शॉर्टकट क्या है मेरा, ऑल्ट से शॉर्टकट से चलेंगे हम एमजे कंप्यूटर, और सेम परचेज किया तो क्रेडिटर रहेगा, देन कंट्रोल ए से सेव एंड परचेज। अब की बार क्या है मेरा, एज कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पार्ट्स होंगे ना, चलो एक आसूस का परचेज कर लेते 14 अल्ट्रा लैपटॉप, और लोकेशन सेम डेली लोकेशन पे रख देते, क्वांटिटी एज 5 नोज एंड 38,000 का प्राइस डाल देते, 1,90,000 का टोटल है हमारा। एंड नेक्स्ट इज अवर, चलो डेल भी अच्छा ब्रांड है, डेल ले लेते हैं, डेली लोकेशन पे रखे हमने 5 नोज विथ 33,000, 1 मिनट, 33,000, ठीक है, 1,65,000 का टोटल। एंड नेक्स्ट इज एचपी, एचपी 15th जनरेशन दिल्ली लोकेशन पे रखे हमने 5 नोज ऑफ 30,000, ठीक है। नेक्स्ट हम डाल लेते हैं कुछ एसेसरीज, तो हमने कुछ कीबोर्ड्स को चूज कर लिया, एंड क्वांटिटी एज 5 बॉक्स। देखो पहले जो अभी तक हमने डाला वहां नोज आया था, एज हमने ऑलरेडी उनकी क्वांटिटी नोज में सिलेक्ट किया था, मतलब नंबर्स, लेकिन कीबोर्ड्स को हम बॉक्सेस में लेके चले हैं, एंड ठीक है, तो रेट इज 10,500 फॉर ईच बॉक्स, 52,500। देखिए देखिए स्टूडेंट्स इधर डिफरेंस देखिए, अभी तक हमारा नोज में चल रहा था लेकिन यहाँ पे हमारा किस में आ गया, बॉक्स में आ गया। चलो एक और आइटम ले लेते हैं, माउस, ठीक है, लॉजिटेक का माउस ले लेते सेम दिल्ली लोकेशन पे, एंड इसका भी 5 बॉक्स परचेज करते हैं ऑन द रेट 7,000, 35,000 का टोटल बिलिंग। चलो एक और आइटम ले लेते हैं अब की बार, चलो स्कैंडस्क का पेन ड्राइव ले लेते हैं, ठीक है, सेम दिल्ली लोकेशन पे, एंड क्वांटिटी 10 बॉक्सेस एंड रेट है 7,500 ईच बॉक्स, 75,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए अब की बार हमने नोज में भी रखी है अपनी परचेज, और बॉक्स में भी, दो क्वांटिटी का हमने यूज किया यहाँ पे, यूनिट्स का, ठीक है, क्वांटिटी नहीं बोल सकते, एज यूनिट बोलेंगे ना, ठीक है। तो 6,67,500 की हमारी टोटल बिलिंग रहा, एंड देन जीएसटी को अगेन नो एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक। चलो अब की बार एक नेक्स्ट चूज करते, कंट्रोल एच से हमने, चलो इसको एज कहां लेके चले, अकाउंटिंग इनवॉइस में लेके चलते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस। क्वेश्चन क्या है, फॉरएवर ग्रुप परचेज गुड्स फ्रॉम श्रीकांत सर्विसेज, अमाउंट 10,000 void invoice number this and that, the payment was made immediately through check, ठीक है जी, अब की बार है ना हमने चेक से पेमेंट भी कर दी है, और पार्टी क्या है हमारे पास, श्रीकांत सर्विसेज, एज हमने लास्ट एक मोड बचा हुआ था उसका यूज करने का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो हमने डाल दिया यहां से 103, ठीक है, और हमने किससे किया है, पार्टी, पार्टी तो नहीं बनी हुई हमारी, चलो क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या था हमारा, श्रीकांत सर्विसेज, ठीक है, और इससे भी परचेज है तो हमारा क्रेडिट है मांगने वाला है, ठीक है, एज सप्लायर भी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हम तो बोल रहे थे यहां तक कि पेमेंट हो चुका, चलो तो इसको हम किस में लेके चले, कैश, ठीक है जी, क्योंकि हमारी है ना, एज पर क्वेश्चन द पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली थ्रू चेक ऑफ SBI, चलो SBI, तो हम क्या लेके चले, SBI, ठीक है, कंट्रोल ए से सेव, और इधर सप्लायर में क्या डालना हमने, श्रीकांत सर्विसेज, ठीक है, देन सेव। इधर हम क्या डाल देंगे, अरे 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 उलझ गए ना अभी, क्या डालें, परचेज, क्लियर है, और परचेज कितना हमारा 10,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने तीनों मोड डिस्कस किए, फर्स्ट हमने वाउचर मोड किया, सेकेंड आइटम इनवॉइस, और थर्ड हम अकाउंटिंग इनवॉइस में चले, जहां हमने स्टेट बैंक के थ्रू पेमेंट किया और कुछ परचेज किया 10,000 का, देन प्रेस एंटर, और जो भी चेक नंबर हमारा इधर डमी मैंने कुछ एंट्रीज पास ऑन कर दी, एंड ये देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं परचेज में आपके साथ तीनों मोड डिस्कस कर चुका हूं, एज आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड वाउचर इनवॉइस।